ये कहानी है एक ऐसे बॉक्स की जो दूसरी दुनिया से आया है टाइम पोर्टल के थ्रू ट्रेवल करके, जो मिलता है दो बच्चों को और उनके अंदर आ जाती हैं बहुत अजीब शक्तियाँ। इस मूवी का नाम है द लास्ट मिम्जी। फिल्म की स्टार्टिंग में हम लीना नाम की लेडी को देखते हैं जो कि कुछ छोटे बच्चों को एक स्टोरी सुना रही होती है। वो बताते हैं कि काफी टाइम पहले हमारी अर्थ की कंडीशन बहुत खराब होती जा रही थी, धरती पर बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी, लगता था कि अब धरती खत्म ही हो जाएगी और इसीलिए एक साइंटिस्ट इस धरती को बचाने में लगा था जो कि कोई खास चीज बना रहे होते हैं और काफी बार ट्राई करने के बाद भी वो चीज नहीं बन रही होती है। लेकिन एक दिन वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और तभी एक ग्रीन पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर एक डिवाइस चले जाता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पर एग्जाम चल रहा होता है, जिसके बाद हम डेविड नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ जो को कॉल करके कहता है कि आज उसे आने में देरी हो जाएगी, उसे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। और जब डेविड घर आता है तो अपने बताए गए वक्त से भी ज्यादा लेट आता है, जिससे उसकी सारी फैमिली उससे नाराज हो जाती है और इसलिए डेविड हॉलीडे का प्लान बनाता है और अगले दिन वो अपने फार्म हाउस पर घूमने के लिए निकल जाते हैं जो कि एक खूबसूरत आइलैंड पर होता है। अब आइलैंड पर पहुंचने के बाद ये फैमिली, जिसमें एक कपल अंदर एंजॉय कर रहे होते हैं और इनके बच्चे बाहर एंजॉय कर रहे होते हैं, और इन बच्चों के नाम होते हैं नोआ और एमा, एंड यहाँ पर वो बीच पर खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके पास समुद्र से एक अजीब सा बॉक्स आता है जिसे ये दोनों उठा लेते हैं और इनके टच करते ही वो बॉक्स खुल जाता है, और ये वही बॉक्स होता है जो कि कुछ देर पहले उस ओल्ड मैन ने एक ग्रीन पोर्टल में टेलीपोर्ट किया होता है। अब इस बॉक्स के अंदर इन बच्चों को एक ग्रीन ग्लास मिलता है और नोवा का ये ग्रीन ग्लास काफी अट्रैक्टिव लगता है और इसीलिए वो इस ग्रीन ग्लास को और उस अजीब तरह के बॉक्स को अपने घर ले आता है अपने मॉम डैड से छुपा कर। लेकिन जल्दी इसके बारे में उनकी मॉम को पता चल जाता है और अब नोवा ये ग्रीन ग्लास अपनी मॉम को दिखाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी मॉम को एक ग्लास देता है वो ब्लैक कलर में बदल जाता है, और जैसे ही वो फिर से नोवा के हाथ में आता है वो फिर से ग्रीन कलर में बदल जाता है। एंड इसका मतलब ये होता है ये किसी तरह की फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी है, जो इसे सबसे पहली बार छुएगा ये सिर्फ उसी से कंट्रोल होगा, और सबसे पहले इस पत्थर को इन दोनों बच्चों ने ही छुआ होता है। और अब इन दोनों की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है उस बॉक्स को लेकर, और इसीलिए एमा उस बॉक्स को रात को खोलती है और इस बार इन्हें कुछ अजीब तरह की चीजें मिलती हैं, जबकि पिछली बार इन्हें ग्रीन कलर का ग्लास मिला था, और इस बार कुछ स्टोन्स और एक स्टफ टॉय होता है जो कि एमा को बहुत पसंद आता है, और उसके टच करने के बाद उस स्टफ टॉय में से मिम्जी मिम्जी की आवाज आने लगती है, और जिसके बाद ये दोनों उस बॉक्स में से निकले एक स्टोन को घुमाते हैं तो वो घूमते घूमते हवा में फ्लोट होने लगता है, जिससे पर्पल कलर का एक पोर्टल ओपन होता है। लेकिन इन दोनों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, तो पता लगाने के लिए एमा उसके अंदर अपना हाथ डालती है, पर नोवा को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से कुछ गलत हो सकता है, तो इसीलिए वो एमा का हाथ वहां से निकाल देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम एमा और नोवा के टीचर को देखते हैं जो कि एक अजीब तरह के सपने के बारे में अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं। मिस्टर व्हाइट बताते हैं कि यही सपना मैं बार बार देखता हूँ और ये तब से हो रहा है जब से मैं अपनी लास्ट ट्रिप से लौटा हूँ। और वहीं ये फैमिली अब फिर से बीच पर गई होती है, लेकिन ये वो आइलैंड नहीं होता जिस पर ये पिछली बार गए थे, और अब एमा और नोवा यहाँ पर खेलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्टफ टॉय एमा को एक शेल उठाने के लिए कहता है और एमा इसे उठा लेती है और नोवा को दे देती है, और नोवा इसे अपने कान में लगाकर देखता है, जिसके तुरंत बाद से उसके कान की पावर 50 टाइम्स बढ़ गई होती है। लेकिन ये पावर सिर्फ तभी काम करेगी जब नोवा खुद चाहेगा, और अब इस पावर की मदद से ये बहुत छोटी छोटी आवाजों को भी सुन पाते हैं, यहाँ तक कि छोटे जीव जंतुओं की आवाजें भी सुन पाते हैं। अब रात को एमा अपनी माँ की गोद में लेटी होती है, जहाँ पर एमा अपनी मॉम से पूछती है कि क्या इस धरती के अलावा भी कोई और जगह है जहाँ पर हमारे जैसे इंसान रहते हैं, तो इस पर उसकी मॉम कहती है कि इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ह्यूमन के लिए ये एक सबसे बड़ा सवाल है जिसके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चला है। अब अगले दिन नोवा उस ग्रीन ग्लास को देख रहा होता है और तभी इस ग्रीन ग्लास की पावर्स नोवा में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे उसे सभी चीजें क्यूबिकली दिखाई देने लगती है और चीजों को टेलीपोर्ट करने की शक्ति भी नोवा के अंदर आ जाती है, जिसका यूज वो एक कैन को टेलीपोर्ट करने में करता है, और ये बात वो अपनी बहन एमा को बताता है। तो एमा इस पर कहती है कि उसे इस बारे में पहले ही पता था, मिम्जी ने मुझे इस बारे में पहले ही बता दिया था। और अब मिम्जी यहाँ पर एमा को बताती है कि उनके डैड यहाँ पर आने वाले हैं, और तभी उनके डैड वहाँ पर आ जाते हैं, और अब इन चीजों को देखकर नोवा को बहुत अजीब लगता है, और अब इसके बाद वो फिर से उस ग्रीन ग्लास को देखने लगता है, एंड इस बार वो अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए गोल्फ की बॉल को टेलीपोर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट डे स्कूल में एक अजीब तरह की क्यूबिकली इमेज बनाता है और वो उसे वहीं पर छोड़कर घर चला जाता है, लेकिन उसके टीचर मिस्टर व्हाइट उस इमेज को देखते हैं, जिसे देखकर उन्हें अपने सपने की याद आती है,
जिसके तुरंत बाद वो भागकर नोआ के पास जाते हैं और उससे इस ड्राइंग के बारे में पूछते हैं। लेकिन इस बारे में नोआ कुछ नहीं बताता और कहता है कि उसने ये ड्राइंग ऐसे ही बना दी है। लेकिन मिस्टर वाइट घर पर जाकर इसके बारे में गहरी रिसर्च करते हैं, जहाँ पर उन्हें कन्फर्म हो जाता है कि ये वही चीज़ है जो उनके सपने में हमेशा आती है। और अब नेक्स्ट डे नोआ अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए मकड़ियों के बारे में सबको बताता है और इसमें वो सबको नॉर्मल बातों से हटकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें बताता है और वो सबको बताता है कि ये अपनी सर्वाइवल कंडीशन के अनुसार अपना जाल बनाती हैं और उसी से इनका जाल कमजोर या मजबूत होता है, जिसे देखकर मिस्टर वाइट नोआ के पेरेंट्स को कहते हैं आपका लड़का एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और उसका आईक्यू लेवल भी बहुत ज़्यादा है। और वहीं रात को एमा अपने बेबी सीटर को उन स्टोन्स को हवा में फ्लोट करके दिखाती है, जिससे उसकी बेबी सीटर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। एंड रात को नोआ उस ग्रीन ग्लास को एक दूसरी अजीब सी चीज़ के साथ जोड़ता है जो कि उसी बॉक्स में से निकली होती है, और ऐसा करते ही वो एक स्पेसशिप में बदल जाती है, जिससे उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर बनती है कि पूरे शहर की लाइट्स ओवर पावर होकर बंद हो जाती है। और इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नील नाम के ऑफिसर को रखा जाता है। और अब इतनी सारी अजीब चीज़ों को देखकर नोआ अपनी बहन एमा से कहता है कि इन चीज़ों से हमें खतरा भी हो सकता है तो हमें इन्हें फेंक देना चाहिए, बट फिर भी ये दोनों ऐसा नहीं करते। और अब रात को नोआ को एक सपना आता है जिसमें वो स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है और उसे बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम उसी ऑफिसर को देखते हैं और वो अपने सभी साथियों को कहता है कि जिसकी तैयारी हमने आज तक की है वो समय आ गया है। और वहीं घर पर नोआ एमा को अपने सपने के बारे में बताता है एंड एमा भी नोआ को बताती है कि उसे भी सेम सपना आया है। और तभी यहाँ पर मिस्टर वाइट अपनी वाइफ के साथ आते हैं और नोआ की मॉम को नोआ की ड्राइंग दिखाते हैं और साथ ही वो उन्हें ये भी बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल ड्राइंग नहीं है, ये वो थ्योरीज हैं जिन्हें कुछ साइंटिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाया है और नोआ ने इन्हें क्लासरूम में बैठे ऐसे ही बना दिया। और इसका मतलब ये है कि नोआ को इस बारे में बहुत कुछ पता है। अब नेक्स्ट डे डेविड यहाँ पर एमा से शुगर मांगता है और एमा यहाँ पर शुगर को फ्लोट करके देती है। अब ये देखकर इन दोनों के डैड बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और इसीलिए वो मिस्टर वाइट को यहाँ पर बुलाते हैं, जिसमें मिस्टर वाइट बताते हैं कि मैं तो इस बारे में कुछ खास कर नहीं सकता लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसे इन चीज़ों की अच्छी जानकारी है। और अब इन बच्चों के पेरेंट्स इनके कमरों में आते हैं जहाँ एमा हवा में फ्लोट कर रही होती है और उसके हाथ में मिमजी भी होती है, जिसे देखकर ये सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और अब एमा की मॉम मिमजी को डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन फिर से ये दोनों मिमजी को वापस ले आते हैं, जिसके बाद ये उन पत्थरों की मदद से उस पोर्टल को ओपन करते हैं। और इस बार पोर्टल में एमा अपना मुंह डालती है एंड यहाँ पर उसे वही साइंटिस्ट नजर आता है जिसने इस बॉक्स को यहाँ पर भेजा है, जिसके तुरंत बाद एमा को चक्कर आने लगते हैं। लेकिन इतने में इनके पेरेंट्स यहाँ पर पहुँच जाते हैं और एमा को यहाँ पर संभालते हैं, जिसके तुरंत बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि बताते हैं एमा का ब्रेन एक नॉर्मल ब्रेन की तरह नहीं सोचता, शायद उसका दिमाग इकोलोकेशन की तरह काम करता है, पर इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। पर इसके लिए इनके पेरेंट्स मना कर देते हैं। और अब नेक्स्ट डे डेविड घर पर आकर कहता है कि हम सबको एक ट्रिप की ज़रूरत है जिससे हम रिलैक्स हो सकें। पर इसी मोमेंट पर नील यहाँ पर पहुँच जाता है अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के साथ। अब यहाँ पर डेविड और उसकी वाइफ पूछते हैं कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है। तो यहाँ पर नील बताता है जिस दिन पूरे शहर की लाइट गई थी उसकी वजह आपके घर में ही है, क्योंकि आपकी लोकेशन उसमें ट्रैक हुई थी और इसीलिए हमें जांच करनी होगी। जिसके बाद ये सभी इन चारों को एक जगह पर लेकर जाते हैं, वहाँ पर ये सभी आराम से बैठ जाते हैं एंड यहाँ पर लगता है कि सब कुछ ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। सभी पुलिस ऑफिसर्स इन पर नजर रखे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली को किसी खास टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, पर इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। अब आफ्टर दैट ये मिस्टर वाइट को कॉल करते हैं और इनके बारे में पूछते हैं, पर उनसे उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। और वो अब इन बच्चों की बेबी सीटर से बात करते हैं एंड वो साफ साफ कह देती है कि ये बच्चे बहुत ज्यादा अजीब हैं, मैं तो कहूंगी ये खुद एलियन ही है। जिसके तुरंत बाद नील एमा से वो पत्थर फिर से फ्लोट कराने के लिए कहते हैं और एमा ठीक ऐसा ही करती है। एमा यहाँ पर ये भी बताती है कि ये सभी चीजें उसे मिमजी ने सिखाई है। जिसके बाद सभी लोग उस स्टफ टॉय पर रिसर्च करने लगते हैं, जहाँ रिसर्च से इन्हें पता चलता है कि स्टफ टॉय के अंदर एक बायोनिक चिप है, कि ये जिस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं इस स्टफ टॉय की टेक्नोलॉजी इनकी टेक्नोलॉजी से 3000 गुना एडवांस होती है, क्योंकि जहाँ तक इन्होंने AI की शुरुआत भी नहीं की है वहाँ इस स्टफ टॉय की टेक्नोलॉजी AI की हाई एडवांस टेक्नोलॉजी पर पहुँच चुकी है। अब इसी बीच एमा इन सबको बताती है मिमजी हम सबको कुछ बताना चाहती है। अब ये डॉल एमा को सब कुछ बताती है और एमा सबको सब कुछ बताती है। वो बताती है कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल मशीन बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और वहीं धरती का वातावरण रहने लायक नहीं रहता,
और इसीलिए वो हमसे टाइम के थ्रू कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ऐसा करने की बहुत बार कोशिश की बट वो नहीं कर पाए और इस बार वो कामयाब हो जाते हैं। और टाइम ट्रेवल के थ्रू मिम्जी हमारे वर्ल्ड में आती है और एक स्टफ टॉय उन्होंने इसीलिए भेजा है क्योंकि जब भी उन्होंने ह्यूमन को भेजने की कोशिश की वो हमेशा मारा गया। अब ये सारी बातें सुनकर ये सारे ऑफिसर्स सब अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं क्योंकि ऐसा केस इनकी लाइफ में पहली बार हुआ था। एंड अब ये सभी को अलग अलग कमरों में लॉक कर देते हैं पर नोवा और एमा अपनी शक्तियों के थ्रू एक दूसरे से बात कर सकते हैं और नोवा यहाँ पर एमा से कहता है कि हमें जल्द से जल्द वो स्टोन्स और मिम्जी को यहाँ से छुड़ाना होगा और अभी अपनी पावर्स की मदद से इस जगह से निकल जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों अपनी चीजों को ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ पर मिम्जी तो इन्हें मिल जाती है पर इनके पत्थर अब टूट चुके थे, लेकिन एमा यहाँ पर नोवा से कहती है कि अब भी हमारे पास कुछ पत्थर बचे हुए हैं जो कि हमारे फार्म हाउस में है। और अभी एक ट्रक को लेकर तुरंत अपने फार्म हाउस की तरफ जाते हैं और ड्राइविंग भी नोवा अपनी पावर्स की मदद से ही कर पाता है, पर रास्ते में इनका पेट्रोल खत्म हो जाता है और वहीं इनके टीचर को फिर से वही सपना आता है। लेकिन इस बार इसमें ये खास होता है कि उसे कोई बुला रहा होता है, जिसके तुरंत बाद वो नोवा और एमा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और अभी तीनों फार्म हाउस की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन्हें पत्थर मिल जाते हैं और ये एक पोर्टल ओपन करते हैं और ये सभी चीजें इन्हें मिम्जी बता रही होती है और नोवा यहाँ पर उस स्पेसशिप को लाता है एंड इस पोर्टल में अब एमा मिम्जी को डाल देती है। अब मिम्जी के अनुसार यहाँ पर सब कुछ ठीक होता है और अब मिम्जी यहाँ पर टेलीपोर्ट होने लगती है, पर तभी यहाँ पर एमा का हाथ उसमें फंस जाता है और अब तक इनके मॉम डैड भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं एंड नोवा यहाँ पर अपने डैड को इस स्पेसशिप को दे देता है जो कि इस पोर्टल का जनरेटर होता है और नोवा अपनी बहन को बचाने के लिए चला जाता है और वो अपनी बहन को बचा लेता है और अब मिम्जी अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाती है, यानी कि उस साइंटिस्ट के पास पहुंच जाती है जहां से उसने उसे भेजा था। और इस साइंटिस्ट ने इस स्टफ टॉय के अलावा बहुत सारे स्टफ टॉयज को भेजा था, लेकिन सिर्फ यही लौट कर आता है, जिससे इन्हें पता चल जाता है ठीक हमारे जैसी स्पीशीज कहीं और भी रहती है क्योंकि इस AI टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है कि धरती पर क्या क्या हुआ, क्योंकि फ्यूचर के जो इंसान है उन्हें अर्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है क्योंकि उस समय तक धरती का वातावरण खराब हो चुका था, इसीलिए उन्होंने धरती को छोड़कर किसी और प्लेनेट पर जाने का फैसला किया। लेकिन वहां पर भी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी और अब उन्हें एक ऐसा प्लेनेट मिल गया होता है जहां पर वो अपने स्पेशल सूट्स के बिना सांस ले सकते हैं। और अब हम उसी टीचर को देखते हैं जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो कि यहाँ पर सबको बताती है कि एमा यहाँ पर हमारी मदर है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द लास्ट मिम्जी मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।